CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ 10 झांसी की रानी पृष्ठ संख्या 69। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ संख्या 70। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुल के थोते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ संख्या 71। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निःसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ संख्या 72। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजोर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ संख्या 73। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ संख्या 74। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ संख्या 75। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ संख्या 76। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया, था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पृष्ठ संख्या 77। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो वे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल से। पृष्ठ संख्या 78। प्रश्न अभ्यास कविता से। 1. किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क
इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? ख, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? 2. कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? 3. झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। 4. वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। अनुमान और कल्पना। 1. कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? 2. सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? खोजबीन। 1. बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। 2. लक्ष्मीबाई के समय में ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुईं, क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। भाषा की बात। यहां लिखे वाक्यांशों, वाक्य के हिस्सों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के तीन पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम, का, के और की दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। यहां दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से सुनो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहां और क्यों हो रहा है। पढ़ने को। 1. प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियां श्रृंखला की पुस्तकें। 2. चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली से प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता। पृष्ठ 79 पर एक मानचित्र है। सन 1985 में एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विजुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स से साभार। इस मानचित्र में स्वाधीनता संग्राम 1857 के केंद्र दर्शाए गए हैं। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा संग्राम के केंद्र दिखाए गए हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।